हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गणपति पापा स्पेशल मोदक। बिना गैस जलाए बनाएंगे मोदक। चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मोदक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने लिया है नारियल पाउडर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 2 चम्मच, 3 चम्मच पिसा हुआ चीनी, थोड़ा सा दूध। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम नारियल पाउडर ऐड करेंगे। इसमें ना थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स हो गया है। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, चीनी ऐड कर देंगे पिसा हुआ, हमें पिसा हुआ ही चीनी लेना है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। हमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे ना ऐसे गून लेंगे, जैसे हम मसल मसल के एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे, आप अपने मन पसंद कलर ऐड कर लीजिएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मसल के हमने डो तैयार किया, हमें इसी तरह रखना है। अब हमें ना इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे एक साइज में। ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है, बिना गैस जलाए आप फटाफट मोदक बना सकते हैं। अब है ना हम इसे लड्डू की तरह पहले बना लेंगे। अगर आपके पास साचा हो तो आप साचा से बना लीजिएगा, हम बिना साचे का बना रहे हैं। बिना साचे का भी बहुत ही बढ़िया मोदक बन जाता है। देखिए अब हम जो लड्डू की तरह बनाया ना इसे हम बराबर कर देंगे। अब थोड़ा सा ऐसे मोदक का शेप दे देंगे इस तरीके से करके। ये देखिए इस तरीके से करके हमें, अब हम फॉग लेंगे, इसकी मदद से ना मोदक का डिजाइन देंगे। ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखिए पतले पतले ऐसे। अगर फोग पे चिपके मटेरियल, अगर फोग पे चिपके ना, फिर थोड़ा सा इसमें पानी लगा लीजिएगा, फिर ये पकड़ेगा नहीं। देखिए इस तरीके से, और ये हेल्दी मोदक भी है। देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन बन गया ना, दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं फिर से बना के दिखाती हूँ। पहले हम बराबर कर देंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे मोदक का शेप देंगे ऊपर, ऐसे उंगल की मदद से ऐसे करते जाएंगे, फिर ये खुद ही शेप बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके पास साचा हो तो ही आप मोदक बना सकते, बिना साचे का भी बहुत ही सुंदर मोदक बना सकते हैं। अब इसे फॉक की मदद से हम इस तरीके से हम डिजाइन दे देंगे। इतना सुंदर ये मोदक बन गया ना, इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। इतने सुंदर ये मोदक बन के तैयार हो गए ना, लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि हम साचा से बनाए हैं, लेकिन ये बिना साचे का बना हुआ है। लेकिन इसे हम और तो डेकोरेट करेंगे। देखिए हमने कुछ गुलाब के पंखुड़ी लिया है, इसे ना हम बारीक ऐसे पतला पतला कैंची की मदद से ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे, क्योंकि मोदक को हमें सजाना है थोड़ा सा। आप चाहो तो पंखुड़ी के बदले ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसमें लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बहुत सुंदर मोदक को बना सकते हैं। आप केसर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास केसर ना हो तो ये पंखुड़ी भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखेगा, या ड्राई फ्रूट वगैरह। पंखुड़ी हमने बारीक कट कर लिया, अब हम मोदक को सजाएंगे। देखिए इस तरीके से लेके हम इस पे रखेंगे। आप पंखुड़ी के बदले केसर भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ये बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए कितना सुंदर ये मोदक बन के तैयार हो गया ना, आप इस तरीके से झटपट मोदक बना सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए।
अगर आपको और भी मोदक की रेसिपी देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।